बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आयशा। आज आपके साथ बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कप मैंने ले लिया मैदा, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप भी इसमें बेकिंग सोडा ही ऐड कीजिएगा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना। इसके साथ ही दो चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। बिना मशीन के हम ये जो है नूडल्स बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये नूडल्स बन के रेडी होंगे। तो यहाँ ऑयल मिक्स करने के बाद इसमें जो है मैं पानी जो है ऐड करूँगी। लिक्विड डो हम इसका बनाएंगे, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, एक साथ हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ का पानी ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, अगेन मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी गुठली वगैरह जो है इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, हाफ कप के करीब और इसमें पानी ऐड होगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, ये लिक्विड डो में जो है वो आ जाएगा। तो हम जो है इसकी लिक्विड डो बनाएंगे और लिक्विड डो के साथ ही हम जो है नूडल्स बना के रेडी करेंगे। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इतना थिक हमने इसको रखना है। तो यहाँ आप ये केचप वाली बाटल या उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके घर में कोई भी जो बाटल है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने एक बोतल ले ली है, इस तरह मैंने इसको एक सुराख कर लिया कैप के ऊपर। तो इस तरह एक नोज़ल के साथ ये जो डो मैंने अभी रेडी की है इसको मैं बोतल के अंदर जो शिफ्ट करूँगी और कैप लगा लेंगे। आप पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं जो आपके पास मौजूद हो आसानी के साथ आप उसके साथ ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले ली है, थोड़ा सा ऑयल जो है इसके अंदर ऐड किया है और टिश्यू की मदद से इसको ग्रीस कर लेंगे। मेरी यही कोशिश होती है आसान से आसान तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, ताकि हर कोई इसको ट्राई करे। तो यहाँ देखें इस तरह मैं बाटल को जो है इस तरह जो घुमाती जाऊँगी और ये देखें ज़बरदस्त से नूडल्स जो है वो बनना शुरू हो गए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम जो है इनको पकाएंगे। तो जब ये अपना आप छोड़ने लग जाएं फिर हम इसको जो है ये देखें इस तरह स्पून की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखें ये ज़बरदस्त से नूडल जो है वो बन चुके हैं। अगेन जो है वो दूसरे भी मैं अब इसी तरह बना लूँगी। बहुत ही कमाल के ये बनते हैं, आप घर में बना के बच्चों को दे सकते हैं। बाज़ार के जो है वो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो इस तरह आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। तो मैंने पैन को साफ़ कर लिया टिशू के साथ। अगेन जो है मैं दोबारा जो है आपके साथ ये स्टेप शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बेस्ट आइडिया हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये वाले नूडल्स हैं, ये भी बन रहे हैं। इसी तरह तमाम मैंने बना लिए हैं, बहुत ही ईजी से ये बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए आप इसको आप चिकन के साथ वेजिटेबल के साथ जो है बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।